अस्सलाम वालेकुम, खबर की दुनिया में खुश आमदेद। सबसे पहले दुनिया हेडलाइन। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का लॉन्ग मार्च रवां दवां, मुनव्वर हसन कहते हैं हुक्मरानों से इक्तदार छीन लेंगे। पिशावर के इलाके चमकनी में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के गोदाम में आग लग गई, इमदादी कार्रवाइयां जारी। पर्ची माफिया ने वजीर आला का हुक्म हवा में उड़ा दिया, लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज। साबिक वजीर आजम ट्रेन से मुल्तान रवाना, कहते हैं उन्हें आइन के तहफ्फुज और सराय की सूबे की आवाज बुलंद करने की सजा मिली। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर चार दरियाओं में दरमियाने दर्जे का सैलाब, दरियाए गिलगित के किनारों पर जमीनी कटाव शुरू। बादल बरसे तो शहरे इक्तदार का मौसम भी खुशगवार हो गया, लोग तफरीही मकामात पर जा पहुंचे, कराची के शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। सक्कर में गदागरों की भरमार से शहरी परेशान, भीख ना देने पर शहरियों की जेबें कटने लगी। शनाख्ती कार्ड और नौकरियां फ्राहम करो, कराची में ख्वाजा सरा मुतालिबात के लिए सड़कों पर आ गए। पाक अफगान सरहदी इलाके में बारूदी सुरंग का धमाका, 14 अफराद हलाक। आलमी इमदाद के लिए अफगानिस्तान को करप्शन पर काबू पाना होगा, टोक्यो कॉन्फ्रेंस का ऐलामिया जारी। पाली के लिए टेस्ट में असद शफीक विकेट पर जम गए, पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बना लिए। और इस्लामाबाद में रंगारंग फैशन शो, मॉडल्स की शोक अदाओं ने मेला लूट लिया। खबर की दुनिया से अभी आपने देखी अब तक की हेडलाइन, जिस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजमल जान और मैं हूं आयशा जुल्फिकार। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।